हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नोयन और आप देख रहे हैं एस एस इलेक्ट्रिकल। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूं जो कि है सुकैम सोनिक होम यूपीएस के बारे में। डिजिटल होम यूपीएस है दोस्तों, ये नॉन साइन वेव इन्वर्टर है, साइन वेव इन्वर्टर नहीं है। जब ये इन्वर्टर कस्टमर के घर में था तब कस्टमर ने हमें कहा था कि इसमें से जलने की बू आ रही थी और हमारा जो एमसीपी है बार बार ड्रिप्ट हो रहा था। इसलिए हम लोग जो है पहले कनेक्शन करके देख लेते हैं बैटरी को लगा के कि इन्वर्टर ऑन है या डेड है। तो हमें जो देखा तो सबसे पहले इन्वर्टर तो ऑन है दोस्तों, बैकअप मिल रहा है कि नहीं हम लोग देख लेते हैं। हाँ, बैकअप में लाइट जल रही है दोस्तों। तो हम लोग अब जो है एसी कनेक्शन को लगा के एक बार चेक कर लेंगे। आप जब भी एसी कनेक्शन लगाइएगा हमेशा सीरीज में लगा के पहले चेक कर लीजिएगा, ऐसे कोई डिफेक्ट आए तो। हम लोग देख लेते हैं, ये जो लाइट है वो ब्लिंकिंग कर रहा है, 200 वाट का बल्ब। तो ऐसा तभी होता है जब इनपुट और आउटपुट लाइन शॉर्ट हो जाए या फिर घूम जाए तभी। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कौन सा वाला हुआ है। तो अंदर थोड़ी सी जलने की बू भी आ रही है, तो हम लोग फटाफट से जो है खोल लेते हैं हमारा कैबिनेट। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या प्रॉब्लम है। आपने जो है कैबिनेट को खोल लिया है, आप शायद देख पा रहे होंगे जो यहाँ का जो मेन कनेक्टर है वो जला हुआ है। वहाँ का दो दो या तीन तार जल चुका है। जो हम लोगों ने एक शॉर्ट क्लिप बनाया हुआ था, इसमें जो एसी कनेक्शन इनपुट करने पर धुआं उड़ रहा था वो हमसे मिस हो गया दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं, प्रॉब्लम हमने चेक कर लिया है, यही है। अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसका भी आपको फॉल्ट के बारे में कुछ बता देंगे, जिससे कि आपको हेल्प हो जी कैसे आपको रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें जो है इस सारे कनेक्टर को खोलना पड़ेगा और यहाँ को कनेक्शन को फिर से प्रेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सारे नट्स खोलने पड़ेंगे बोर्ड में से। तो हम आपको एक बता देते हैं बात, आप जब भी इस इन्वर्टर में काम करें, अगर आप नए नए काम कर रहे हैं तो एक पिक्चर उठा लीजिए दोस्तों अपने मोबाइल से, ताकि आप कहां से कौन सा कनेक्टर खोल रहे हैं और कौन सा कनेक्शन लग रहा है वो आपको पता चल जाए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। और जो ये टेस्मो का मेन जो वायर रहता है ये कभी भी आप लूज मत रखिएगा दोस्तों, थोड़ी सी भी, इससे भी आपके चार्जिंग की प्रॉब्लम होगा। ये हमेशा टाइट रखिएगा और जो जहाँ से आप खोल रहे हैं वहाँ पर देखिएगा, लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फटाफट से हम लोग जो है सारे कनेक्शन खोल देते हैं। और एक बात हम बताना चाहते हैं आपको, जब भी आप इस तरह के कोई भी किट में आप काम करें तो वहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल पड़ा हुआ रहता है वो हमेशा साफ़ कर लीजिएगा दोस्तों। उससे बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ समय डिफेक्ट आता है दोस्तों उस डस्ट के वजह से। तो आप हमेशा डस्ट साफ करके काम कीजिएगा। तो फटाफट से जो है हम सारे कनेक्शन स्क्रू जो है खोल लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे सारे कनेक्शन कहाँ कहाँ पे कौन सा कनेक्शन लगता है। तो चलिए हम बोर्ड को उलट देते हैं। तो जो है सारे कनेक्शन को हम साफ कर लेंगे अच्छे से। ये जो कनेक्टर है यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से इस साफ कर लेंगे, ताकि शॉर्ट कनेक्शन ना हो। इसलिए जो बोर्ड पे ड्रॉ रहता है कॉपर का वो भी हम उठा दे रहे हैं दोस्तों, जो कि आधा जला हुआ हो चुका है। और उसके कनेक्टर के तार में हम लोग अच्छे से साफ कर लेंगे, क्योंकि देखेंगे बोर्ड ज़्यादा डैमेज ना हो। और यहाँ पे हम नया तार लगा देंगे दोस्तों, चार कलर का चार वायर। तो सबसे पहले जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है ऊपर, वहाँ पर लगता है आपका एसी इनपुट, यानी कि जो इन्वर्टर में इनपुट लाइन होता है वो। और जो दूसरे वाला अभी जो मैंने हमें हाथ दिया यहाँ पे लगता है दो नंबर कनेक्टर में, वो है इन्वर्टर आउटपुट। और जो तीसरे वाला कनेक्शन होता है वो वहाँ पर लगता है आपका फ्यूज ब्लॉक का कनेक्शन, यानी कि फ्यूज से कनेक्शन आता है जो कि टेस्टमो के पास जाता है। अगर आपका फ्यूज जो है कट जाए तो आपको एक बीप सुनाई देता है, उसी के लिए वो कनेक्शन होता है दोस्तों, और वहीं से लाइन जाता है इन्वर्टर में। और मेन इनपुट तो आपको बता ही दिया पहले नंबर पे है, और जो सबसे लास्ट में है तीन चार नंबर वाला कनेक्शन वो होता है दोस्तों न्यूट्रल का कनेक्शन होता है वो। न्यूट्रल हमेशा कॉमन होता है दोस्तों, हर लाइन में ही न्यूट्रल को कॉमन किया जाता है। न्यूट्रल के फॉल्ट होने पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, उसके बारे में हम किसी और बड़े वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया है एसी इनपुट, एसी आउटपुट, और एफ बी जो लिखा है वो फ्यूज बोर्ड का कनेक्शन, और चार नंबर पर जो है न्यूट्रल का। तो आप ऐसे ही सारे को एक साथ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं साइन वेव इन्वर्टर के बोर्ड के बारे में फुल डिटेल्स दिया था, ऐसे ही मैं इस बोर्ड के बारे में भी फुल डिटेल्स देने की ज़रूर
कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी, और जो है इस कनेक्शन के बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। और आप अगर जानना चाहते हैं ये कनेक्शन कैसे किया मैंने और कहाँ कौन सा कनेक्शन कहाँ पे लगाया, तो पूरा वीडियो आप देख सकते हैं, उसे आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो से बने रहने के लिए धन्यवाद। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कैसे हमने कनेक्शन करके, कैसे
जो स्टिक वाले ग्लू होते हैं हॉट स्टिक वाले, वो लगा दिए हैं आप अच्छे से ताकि हमारे कनेक्शन छूटे ना इसलिए। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्योंकि पहले ये जल चुका था ना, तो अगर लूज़ हो या कुछ हो इसलिए हमने अच्छे से जो है सोल्डरिंग तो की है, उसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे लगा दिया है ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम इन्वर्टर को फिट करके देख लेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम दे रहा है कि नहीं, अगर प्रॉब्लम हो तो हम लोग रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग जो है इन्वर्टर को सेट करके बैकअप दे रहा है कि नहीं और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो इन्वर्टर है वो ठीक हो चुका है, हमारा जो है इस छोटे से बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। अब हम आपको दिखाते हैं इस इन्वर्टर को ऑन करके, इन्वर्टर इनपुट दे रहा है, सॉरी इन्वर्टर जो है अपना बैकअप ऑन कर रहा है। अब हम इसे सीरीज में प्लग लगा के देखेंगे कि कोई शॉर्ट या कुछ है क्या नहीं। तो हम जो है स्विच ऑन करते हैं, तो सीरीज में हमने दे दिया है, कोई भी बल्ब नहीं चल रहा है नीचे दोस्तों। ये देखिए एसी इनपुट हुआ। अब जब इनपुट होने के बाद जो पावर लेता है उसके बाद थोड़ा सा सीरीज जलेगा, यानी कि अभी तक तो सीरीज नहीं जला, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। हम जो है डायरेक्टली इसे इलेक्ट्रिक लाइन में चार्ज दे सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारा जब प्रॉब्लम था वो तो आपने देख ही लिया, उसी में हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।